हेलो फ्रेंड्स, ये संडे की 5 बजे की क्लिप्स है। मैं मार्केट जा रही थी तो तभी मैंने निकाला था। मैं बोली चलो आप लोगों को भी मार्केट घुमा के लेके आती हूँ। मैं मार्केट पहुँच गई हूँ। मार्केट में पहले जाने के बाद सबसे बड़े चौराहे पे ऊपर रखे हुए थे, तो मैं वहाँ गई थी दर्शन करने के लिए। अच्छे गणेश जी दिख रहे हैं, बहुत प्यारे गणेश जी दिख रहे हैं। निकाली काफ़ी लोग वहाँ खड़े थे, फिर मैंने निकाला है। तो बोली क्या करोगे, हर जगह जहाँ जाते वही लोग पूछते क्या करोगे। मैं बोलती हूँ सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह दीन है, उनका विसर्जन है। अगले बरस जल्दी से लग पाऊँ मैं, और ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। मैं गई हूँ दर्शन करी हूँ, पूजा अर्चना जो भी थी उनको किया। उसके बाद मैं आगे मार्केट में कुछ सामान लेना था। मैंने कहा चलो मार्केट में जाती हूँ, जाने के लिए इतना खूबसूरत पंडाल है। ये पंडाल सबसे बड़ा पंडाल है यहाँ का। और मैं मार्केट निकल गई, तो निकलने के बाद मैं बोली कि चलो थोड़ी बहुत वहाँ से निकालते हैं। मेरे पास जो है चप्पल नहीं था, चप्पल मेरी टूट गई। अभी है चप्पल, 2-3 जोड़ी चप्पल है, ऐसा नहीं है। फिर भी मार्केट जाने के बाद मन हो रहा था लेने के लिए, तो हमने कहा वहाँ क्लिप्स भी निकालेंगे, छोटी सी वीडियो। और मैं मास्क हटा दी, मैंने कहा अरे यार मास्क लगा रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। और मास्क को मैंने हटा दिया, और पूरी दुकान का जितना ये बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ बैग कपड़े जूता चप्पल कुछ भी सारे सामान यहाँ मिलते। यहाँ मैं गई थी तो मुझे ये एक चप्पल यहाँ अच्छी लगी थी, लेने के लिए मेरा मन हुआ ले ली, तो मैंने चप्पल नहीं लिया। मैं वहाँ फ़ोटो निकाली, और मेरा अभी क्या रहता है, मैं जहाँ जाती हूँ सामान लूँ या ना लूँ, मेरा रहता है मैं छोटी सी क्लिप निकाली और अपने प्यारे भाई बहन को दिखाऊंगी। ये अभी मेन मार्केट में खड़ी हूँ, आ रही हूँ मैं घर के लिए अपने, निकल गई हूँ। गाड़ी आगे खड़ी है मेरी, तो अंदर तो काफ़ी भीड़ थी। कल संडे था ना, तो संडे के टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तू अपना काम कर, मैं इधर से सामान ले लेती हूँ करती। तो मैंने कहा अरे यार ये साथ में मैं कैसे वीडियो निकालूंगी, फिर भी मैंने वीडियो निकाल दिया। और मैंने कहा हम जाए देखेंगे, देखेंगे बाद में क्या बोलती है। मैंने पूरा वीडियो निकाला, बहुत अच्छा लगा। शाम का टाइम था, कल गणेश जी विसर्जन हो रहे थे, बहुत 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 मार्केट में थी। शाम होते होते अब बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी। मैं दर्शन करने गई तो पूरी गीली हो गई, मार्केट के अंदर घुसे तब भी मैं गीली हो गई थी। देखा होगा आप लोग, मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, मेरे सर में कितना पानी पड़ गया था। मैं बोली पानी चाहे जितना बरसेगा फिर भी मैं तो यहाँ से पिक्चर निकाल के जाऊँ, क्योंकि ये दूसरी मार्केट में कल गई थी। यहाँ कई मार्केट, अलग अलग मार्केट, हर जगह यहाँ की अलग अलग मार्केट है। तो मैं कल दूसरी मार्केट गई थी, और यहाँ पर चप्पल तो पसंद आई थी मुझे लेने के लिए, पर मैंने चप्पल लिया नहीं है। देखी हूँ, बात करी हूँ कि 400-500 जैसी चप्पल आपको चाहिए। मैं हील वाली तो पहनूंगी नहीं, काफ़ी हील वाली थी, बोली हील वाली ले। मैंने कहा नहीं, मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, मैं हील चप्पल नहीं पहन सकती, मैं नहीं पहनूंगी। तो थोड़ा बहुत देखे और मैं वहाँ से फिर आ गई, और लिया नहीं चप्पल मैंने। और ये मैं यहाँ सुबह आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ, तो अभी मुझे करी पत्ता चाहिए था, तो मैं करी पत्ता तोड़ने के लिए गई थी। मेरा छोटा सा गार्डन है, क्योंकि मैंने पपीते की सब्ज़ी और पपीता आप लोगों को दिखाया था, पर मैं अपना गार्डन आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। मेरा ये पपीते का पेड़ है, तो ये वीडियो मैं सुबह भी गई थी करीब 8 बजे नीचे, तो वहाँ से करी पत्ता तोड़ कर लाई। तो मैं केवल पेड़ दिखाने के लिए, अपने छोटा सा गार्डन दिखाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। और ढेर सारे पपीते लगे हुए, देखिए पपीते में कीड़े भी लग गए हैं। कौन सी दवा डालनी है मैं, मुझे नहीं पता क्या दवा डालनी। कई लोग बोले दवा डाल दो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। और ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या, ये तुलसी ढेर सारी बड़ी सी पेड़, बड़ा पेड़ लगा हुआ है मेरा, ये फ्लावर का है, ये करी पत्ते का पेड़ है। करी पत्ता जो चाहता है वो जाके तोड़ लेता है, ठीक है, और कोई बात नहीं रहती, सब तोड़ते सबके गार्डन से, यहाँ पर कोई किसी को मना नहीं करता है। ये पत्ता जो पड़ा हुआ है लगा, ये सुपारी का पत्ता है बोलते हैं। और ये जो किनारे साइड में पत्ते लंबे लंबे हैं, उस पत्ते को यहाँ चावल जब बनाते हैं खुशबू आने के लिए उस पत्ते को डालते हैं। ये पत्ते नहीं, जो लंबे लंबे पत्ते हैं उसको डालते हैं। ये तो फ्लावर के पेड़ हैं, हाँ ये साइड वाले जो लंबे लंबे पत्ते हरे ढेर सारे दिख रहे हैं, ये चावल में डालते हैं। खुशबू बहुत अच्छी, जैसे लगेगा चावल की बासमती का चावल है, आप कोई भी चावल बना के डाल दीजिए।
ये छोटा सा मेरा गार्डन है, मैं यहीं पर सब कुछ लगाई, अभी तो बारिश हो रही है इसलिए गार्डन पूरा ख़राब हो गया है, पूरा मिट्टी मिट्टी है, सब पेड़ पानी ज़्यादा पड़ जाने के बाद पेड़ गल जाते हैं, तो छोटे छोटे जो पेड़ थे फूल उल के ये सब पेड़ मेरे गल गए हैं, अभी बारिश निकल जाएगी तो फिर मेरा गार्डन और अच्छा हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को जरूर, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए शेयर करिए।